गंधवानी बलवारी रोड पर डीजे की गाड़ी बिजली के खंभे से जा टकराई। यह तो अच्छा हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बिजली विभाग को तुरंत सूचना लगने के बाद लाइट सप्लाई बंद की गई। बलवारी गंधवानी मार्ग पर अनेक वाहन चलते हैं, यह मेन मार्ग है। बनवारी धाम जाने के लिए यहाँ से अनेक श्रद्धालु निकलते हैं। बलवारी मार्ग पर तहसील कार्यालय भी है, जहाँ पर उच्च अधिकारी आए दिन इस मार्ग से निकलते रहते हैं। अधिकारी इस ओर को ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली के तार ऊंचे किए जाएं और रोड के साइड में जो मटेरियल पड़ा हुआ है उस वेस्टेज मटेरियल को तुरंत हटाया जाए। रहवासियों ने बताया कि आए दिन गाड़ी क्रॉसिंग लेते समय ड्राइवरों को तकलीफ होती है। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस रास्ते से कई बसें निकलती है और यह आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र होने के कारण अधिकतर सवारी बस छत के ऊपर बैठती है। बिजली के तार नीचे होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मनावर से लोकेन जाधव की रिपोर्ट। आए दिन दुर्घटना का संदेश बना रहता है। ठीक ही रोड के पास में मिट्टी के ढेर लगे हुए, पूरे मुख्य रोड है तहसील कार्यालय का, जिसके कारण आमने सामने अगर गाड़ी आती है तो बसों के भी तार टकराते हैं पास में। इस वजह से दुर्घटना का ढेरों की वजह से क्या समस्या है? ढेरों की वजह से ये समस्या है, गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से दुर्घटना का संदेश हमेशा बना ही रहता है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन में चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए और इसकी साफ सफाई और ये तार को ऊंचा कराया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।